हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज हम डीएल 307 लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन के चैप्टर 2 के टॉपिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिकली एक सबकंडक्टर ही है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये डायग्राम है, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है, डिफरेंशियल मतलब ये जो एम्पलीफायर है बेसिकली दो इनपुट जो हैं इसके V2 और V1 इसके डिफरेंस को एक अमाउंट से एम्पलीफाई करेगा। तो उस वो अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके डेरिवेशन को हम देखेंगे। और जो डिफरेंस होगा वो हमेशा नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग इनपुट होगा। नॉन इन्वर्टिंग जो है वो है V2 और इन्वर्टिंग इनपुट है V1। तो जो डिफरेंस होगा वो V2 माइनस V1 होगा, ना कि V1 माइनस V2। इसको हम देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर को। तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डायग्राम हुआ, जहां जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसके इनपुट को हमने यहां आउटपुट से R3 के थ्रू फीडबैक दिया हुआ है। फीडबैक इन्वर्टिंग इनपुट को दे रहे हैं हम, इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक देने के कारण ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए लीनियर काम करेगा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो ऑपरेशन एम्पलीफायर की लीनियर एप्लीकेशन है। V1 जो इनपुट है वो R1 के थ्रू होते हुए हमने इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई करा हुआ है, और V2 जो है वो R2 के थ्रू होते हुए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस पे अप्लाई करा हुआ। R4 जो रेजिस्टेंस उसको हमने यहां ग्राउंड करा हुआ है। अब दो रूल होते हैं, पहला I1 बराबर IF होगी और दूसरा VA बराबर VB होगा। जो हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, उसके थ्रू VA बराबर VB। I1 की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो I1 की वैल्यू होगी V1 माइनस VA अपॉन R1। I2 की वैल्यू निकालूं तो V2 माइनस VP अपॉन R2, और IF की वैल्यू निकालूं तो VA माइनस VOUT अपॉन R3। I1 की वैल्यू V1 माइनस VA अपॉन R1, I2 की वैल्यू V2 माइनस VB अपॉन R2, IF की वैल्यू VA माइनस VOUT अपॉन R3। VA बराबर VB होगा, दूसरी स्टेप है हमारी वर्चुअल ग्राउंड वाली, VA बराबर VB, और VB की वैल्यू मेरे को वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के मिलेगी। तो इस सर्किट में मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा। तो इस सर्किट में जब मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाता हूं तो VB की वैल्यू क्या होगी, VB के क्रॉस रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल इनपुट। तो VB बराबर आएगा R4 डिवाइड बाय R2 प्लस R4 इनटू V2। VB की वैल्यू V2 R4 R2 प्लस R4। अब मुझे Vout निकालना है, तो Vout के लिए मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि पहले एक इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट ले रहे हो तो बाकी सभी इनपुटों को ग्राउंड से कनेक्ट करो, और इस तरीके से सारे इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट लो, और जो आउटपुट होगा क्यूमुलेटिव वो सारे आउटपुटों का सम होगा। तो पहले हम V1 इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट लेते हैं, जिसे हम कहते हैं VOUT A। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी के सारे इनपुट जो है उनको हमको ग्राउंड करना पड़ेगा। तो यहां इनपुट कौन सा है बाकी का, V2। तो इस V2 इनपुट को ग्राउंड करेंगे और V1 के corresponding V out लेंगे, जिसे हम कहेंगे V out A।
तो वी वन क्या करस्पॉन्डिंग लिया, इसको ग्राउंड करा, तो जब इस टर्मिनल को मैंने ग्राउंड करा तो बेसिकली ये जो मेरा डायग्राम है वो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वीटो को ग्राउंड करते ही ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कन्वर्ट हो गया। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, माइनस आर थ्री अपॉन आर वन इंटू वी वन। तो ये मैंने वी टू को जीरो माना, तो वी आउट ए जो कि वी आउटपुट जो है वो वी वन के करस्पॉन्डिंग और वो आएगा माइनस आर थ्री अपॉन आर वन इंटू वी। अब मैं दूसरे इनपुट वी टू के करस्पॉन्डिंग वी आउट निकालूंगा, तो वी वन को ग्राउंड करता हूं, वी वन को ग्राउंड करता हूं तो ये जो मेरा ऑप्टिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। तो उसका आउटपुट क्या आता है, वन प्लस आर थ्री अपॉन आर वन इंटू वी वी। वी वन को जीरो माना, वी आउट वी टू इनपुट के करस्पॉन्डिंग वन वन प्लस आर थ्री अपॉन आर वन, ये जो टर्म है ये है वन प्लस आर थ्री अपॉन आर वन इंटू वी वी। और वी वी की वैल्यू क्या है, वी टू आर फोर आर टू प्लस फोर। नाउ हमें वी वन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया जिसे हम वी आउट ए कह रहे हैं, वी टू के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया जिसे कि वी आउट बी कहा जा रहा है। तो जो टोटल आउटपुट होगा वी आउट बराबर वी आउट ए प्लस वी आउट बी, वी आउट जो टोटल होगा वो होगा वी आउट ए प्लस वी आउट बी, यानी वी वन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट और वी टू के करस्पॉन्डिंग आउटपुट का सम। तो वी आउट पढ़ना है मेरे को, वी आउट वी वन के करस्पॉन्डिंग क्या है, माइनस वी वन आर थ्री अपॉन आर वन प्लस वी टू के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, वी टू आर फोर आर थ्री प्लस आर फोर वन प्लस आर थ्री आर वन या आर वन प्लस आर थ्री अपॉन। अगर रजिस्टर आर वन बराबर आर टू है और आर थ्री बराबर आर फोर है तो जो ये आउटपुट की जो ये इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाती है, वी आउट बराबर आर थ्री अपॉन आर वन वी टू माइनस वी वन। यानी हम देखते हैं अगर ये R1 बराबर R2 है, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है और इस वैल्यू रेजिस्टेंस इस वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, इसकी वैल्यू आती है R3 अपॉन R1 V2 माइनस V1। यानी जो डिफरेंस है ये क्या कर रहा है, इसका आउटपुट V2 माइनस V1 का डिफरेंस कर रहा है, यानी उनका सबट्रैक्शन कर रहा है। लेकिन जो ये V2 है वो है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, और इस जो डिफरेंस है उसको एक अमाउंट से एम्पलीफाई कर रहा है, वो अमाउंट क्या है, आर थ्री अपॉन आर वन। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के डेरिवेशन से हमें स्पष्ट होता है कि ये इनपुट जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर उसके डिफरेंस को एक अमाउंट से एम्पलीफाई कर देता है। तो ये सब कुछ था डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो एम्पलीफायर है बेसिकली वो एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसमें कि हम एडिशनल इनपुट बफर स्टेज लगाते हैं। बफर स्टेज से क्या होता है कि ये जो बफर स्टेज है ये जो कोई भी प्रीसीडिंग स्टेज है उसके साथ इंपीडेंस मैचिंग के काम में आती है। और इंपीडेंस मैचिंग से क्या होता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो एम्पलीफायर है उसका जो यूज है बेसिकली इंडस्ट्रियल टेस्ट वगैरह और मेजरमेंट एप्लीकेशन वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इसके और भी फायदे हैं जैसे कि लो ऑफसेट वोल्टेज होता है इसकी, हाई सीएमआरआर होता है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, हाई गेन होता है, जो कि हमारे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उससे जो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो आइडियल की तरफ, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल से आइडियल। अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो एम्पलीफायर है वो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर
और आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के बीच की चीज हुआ कैरेक्टरिस्टिक के मामले में, क्योंकि आइडियल जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसमें ऑफसेट वोल्टेज होती है जीरो और सीएमआरआर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्टेंस भी होता है इनफाइनाइट और गेन भी होता है इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकल में ये सारी वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में इनकी वैल्यू जो होती है वो प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर से ज्यादा होती है। बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का मेरा डायग्राम। इस इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में मैं देखूंगा कि ये मेरा एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसे मैंने U1 का नाम दिया, दूसरा ये मेरा ऑपरेशन एम्पलीफायर है जिसे मैं U2 का नाम दे रहा हूँ, और ये तीसरा जो एम्पलीफायर है वो मेरा एक और ऑपरेशन एम्पलीफायर हुआ जिसे मैंने U3 का नाम दिया। इस सर्किट को अगर मैं देखूं तो ये जो मेरा सर्किट है वह डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट हुआ। अगर मैं पुराने जो इसके अकॉर्डिंग चलूं तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज है, बाकी अगर सर्किट ये देखूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का ये वाला जो पार्ट है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है बट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ जो ये वाला U1 व U2 है ये बेसिकली बफर स्टेजेस हैं, हालांकि ये जो बफर स्टेज है इनका जो गेन है वो वन नहीं है, यूनिटी नहीं है इनका गेन, कुछ गेन है जो कि इस R1 वैल्यू पे डिपेंड करता है, पर ये जो है ये इसकी बफर स्टेजेस हैं। जैसे हमने कहा कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो एम्पलीफायर है बेसिकली वो क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है विद एडिशनल इनपुट बफर स्टेज इसमें ऐड होती है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर और इसमें हमने एडिशनल इनपुट बफर स्टेजेस ऐड कर दिए जिनका जो गेन है वो यूनिटी ना होकर कुछ फाइनाइट वैल्यू है। अब यहां इस जो एम्पलीफायर है ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है इसको मैंने R2 के थ्रू यहां फीडबैक दिया हुआ, इस एम्पलीफायर को भी मैंने R2 के थ्रू यहां फीडबैक दिया हुआ है, ये मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जिसको कि R4 के थ्रू नेगेटिव फीडबैक मिला हुआ है। तीनों एम्पलीफायर जो है मेरी लीनियर की तरह काम करेंगे। अब चूंकि मेरे को यहां क्यूमुलेटिव आउटपुट निकालना है, क्यूमुलेटिव आउटपुट जो निकलेगा वो V01 और V02 का डिफरेंस, मतलब V02 माइनस V01 R4 अपॉन R3 होगा, मतलब जो मैं अगर प्रॉपर स्टेज की बात करूं, क्योंकि मैंने यहां देखा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो था मेरा उसका जो आउटपुट आया था वो क्या था, R3 अपॉन R1 V2 माइनस V1, यानी ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस इन्वर्टिंग माइनस नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, तो यहां भी जो फाइनल आउटपुट आएगा V out वो होगा ये वाला रेजिस्टेंस R4 अपॉन R3 V02 माइनस V01, ये इसका फाइनल आउटपुट आएगा जो कि हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर में देख चुके हैं। अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो है V02 निकालना और V01 निकालना। अगर मेरे को या मुझे V02 और V01 की वैल्यू पता हो जाती है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो फॉर्मूला है V out बराबर R4 upon R3 into V02 minus V01, अगर वो मैं निकाल लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले V01 निकालने के लिए मुझे यहां काम करना है, यहां काम करने के लिए ये दो इनपुट है। अब देखो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता था कि एक टर्मिनल ग्राउंड होता था, लेकिन यहां दोनों इनपुटों पे सप्लाई मिली हुई है, तो उसके लिए मुझे जब V01 निकालना पड़ेगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब सुपरपोजिशन थ्योरम लगाऊंगा मैं तो सबसे पहले V01 का जो आउटपुट है वो सबसे पहले मैं ले लेता हूं मान लो इसके कारण, फिर इस V1 के कारण, और दोनों के का जो आएगा उसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा तो वो मेरे को V01 मिलेगा। तो सबसे पहले मैं मानता हूं मैं
इस V1 को ग्राउंड कर देता हूं। यहां इस V1 सिग्नल जो है इधर से मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करा तो जो मेरा V01 आएगा वो Vin1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, जब ये नॉन इन्वर्टिंग में काम करेगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 प्लस R2 अपॉन R1 Vin1। अगर मैं इस V1 को ग्राउंड करता हूं तो V01 आ गया मेरा, ये जो वाली टर्म है मेरी V01 की वो 1 प्लस R2 अपॉन R1 Vin1 के कारण आई जब मैंने इस V1 सिग्नल को ग्राउंड करा। अब मुझे इस इनपुट सिग्नल के कारण, क्योंकि ये फाइनली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, कुछ से कनेक्ट हुआ है, किसी इनपुट से कनेक्ट है, तो अब मैं इस वाले सिग्नल को ग्राउंड करूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालूंगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग करने पर, इसको मैंने ग्राउंड करा और इसके करस्पॉन्डिंग करने पर ये सिग्नल किससे कनेक्ट है, V2 से, और V2 इक्वल टू क्या होगा, Vin2। अगर मैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हूं यहां तो Vin2 के बराबर V2 होगा, और V2 इक्वल टू क्या हुआ, यहां V2 से कनेक्ट हुआ। तो फाइनली ये जो है फिर टर्मिनल, अगर मैं इसको ग्राउंड करता हूं तो ये मेरा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्या होता है, Vout माइनस R2 अपॉन R1 इनपुट वोल्टेज V2, और V2 बराबर क्या है, Vin2। तो माइनस R2 अपॉन R1 V2, और V2 की वैल्यू Vin2। तो ये मेरा V01 की टोटल वैल्यू आ गई, जहां मैंने एक सिग्नल को ग्राउंड करके ये वैल्यू आई और दूसरे इनपुट को ग्राउंड करके ये वाली वैल्यू आई। तो दोनों का जब मैंने सुपरपोजिशन करा तो ये टोटल मेरे V01 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब मेरे को V02 निकालना है, बिल्कुल एज इट इज सिमेट्री है। तो फर्स्ट मैं इस सिग्नल को ग्राउंड करता हूं, यहां से मैंने ग्राउंड कर देता हूं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरह, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर की तरह करेगा, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस R2 अपॉन R1 इनटू Vin2, 1 प्लस R2 अपॉन R1 Vin2। अब मैं इस सिग्नल को ग्राउंड करता हूं तो ये सिग्नल किससे जुड़ा हुआ है, V1 से, V1 से जुड़ा हुआ है। तो ये इसको ग्राउंड करने पे इन्वर्टिंग की तरह काम करेगा और इसका आउटपुट आएगा माइनस R2 अपॉन R1 इनटू V1, और V1 की वैल्यू Vin1 के बराबर है। तो माइनस R2 अपॉन R1 V1, V1 की वैल्यू मैंने Vin1 के बराबर रख दी, तो ये फाइनली मेरा V02 आ गया। अब Vout अगर मैं बात करता हूं तो Vout क्या होगा, बेसिकली Vout जो होगा वो मैं देखूंगा इधर, इससे डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये, सॉरी ये मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो क्या होगा, R4 अपॉन R3 V02 माइनस V01। ये मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का फाइनली इसका आउटपुट होगा। V02 की वैल्यू जो है वो मेरी ये आ चुकी है और V01 की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इस वैल्यू V02 और V01 की वैल्यू में इस फॉर्मूले में रखूंगा तो मेरा जो फाइनली आउटपुट आएगा वो आएगा R4 by R3 1 plus 2R2 upon R1 V in 2 minus V in 1। ये मेरा फाइनल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट आएगा। अब मैं यहां देखता हूं इस फॉर्मूले के कि R4 R3 की वैल्यू में एक बराबर या फिक्स मान सकता हूं और R2 की वैल्यू भी फिक्स मान सकता हूं, लेकिन ये जो R1 है अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूं, बढ़ाऊं, घटाऊं, तो आउटपुट की वैल्यू
चेंज होगी जो डिफरेंशियल आउटपुट है उसके जो गेन है उसकी तो डिफरेंस हो गया और ये गेन हो गया। तो अगर इस आर वन की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा तो आउटपुट की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी इस आर वन जो है इसको मैं एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर सकता हूँ। अगर इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो इस पूरे सर्किट की वैल्यू जो गेन है वो चेंज। ये था हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन पूरे लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो जो मेरे डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो डिफरेंस जो है इनपुट सिग्नल उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से एम्पलीफाई करेगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आर सी अपॉन आर वन, यानी ये नेगेटिव फीडबैक वाला रेजिस्टेंस अपॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उसका रेजिस्टेंस आर थ्री अपॉन आर वन ब्रैकेट में वी टू माइनस वी वन का डिफरेंस, यानी वी टू यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वी टू माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वी वन इनका डिफरेंस आर थ्री अपॉन आर वन वी टू माइनस वी वन। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो एम्पलीफायर है बेसिकली वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर प्लस उसमें इनपुट बफर स्टेज जोड़ के ही इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बनाया गया है। बफर स्टेज जोड़ने से इम्पीडेंस मैचिंग के काम में आती है वो, जो कि प्रीसीडिंग जो स्टेज है उसके साथ इम्पीडेंस मैचिंग हो जाए और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के काफी सारे यूनिट हैं जैसे कि हाई कैमरा होता है, लो ऑफसेट वोल्टेज होती है, हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है और हाई गेन होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है जहाँ ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसको हमने बेसिकली ये दो जो बफर स्टेज है उनके साथ जोड़ा हुआ है। बफर स्टेज अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट होगा आर फोर बटा आर थ्री वी जीरो टू माइनस वी जीरो वन। वी जीरो वन निकालने के लिए पहले इस टर्मिनल को पहले इस टर्मिनल को हम ग्राउंड करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालते हैं, फिर इस टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालते हैं और दोनों का जो सम होगा वो वी जीरो वन होगा। सेम इसमें भी करते हैं हम दूसरे एम्पलीफायर में भी, पहले इसको ग्राउंड करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालते हैं, फिर इसको ग्राउंड करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालते हैं और दोनों का आउटपुट वी जीरो टू की वैल्यू देता है। और आर फोर बटा आर थ्री वी जीरो टू माइनस वी जीरो वन में रख के हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का फाइनल वी आउट निकालते हैं जिसकी वैल्यू आती है मेरे पास आर फोर बाय आर थ्री वन प्लस टू आर टू अपॉन आर वन वी इन टू माइनस वी इन वन। यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ ये आर वन की वैल्यू, ये मेरा डिफरेंस हुआ और ये मेरा गेन हुआ इस पूरे सिस्टम का। तो अगर इसमें आर वन की वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा वी आउट पे पड़ेगा। वी आउट पे पड़ने से क्या हो सकता है कि इस जो सर्किट है उसमें मैं आर वन को एज ए वेरिएबल रजिस्टर काउंट कर लूं और उसकी वैल्यू चेंज करने पर पूरे वी आउट पे इफेक्ट आएगा। तो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। थैंक यू।